नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जॉन है और मैं भारत में रहता हूँ। इस वीडियो में हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, तंदूरी मोमो खाते हैं और एक भारतीय बेकरी में जाते हैं। वाओ, 100 कॉर्न के लिए मैं 2 खाना चाहता हूँ, एक मसाला कॉर्न हाफ और एक क्रिस्पी कॉर्न हाफ। ठीक है, तो हम बना देंगे। ठीक है, हम एक वीडियो बना देंगे, आप बना रहे हैं अभी, वो शुरू करेंगे, कॉर्न बना देंगे। मक्का, आप लोग मक्का कहते हैं? हाँ, हम लोग मक्का बोलते हैं। या भुट्टा? हाँ, भुट्टा। हाँ, वो हमारे लिए वो शब्द मुश्किल है। ठीक है, अभी तो ये हमारी पहली बार इस दुकान देखने में जहाँ वे कॉर्न बना देते। अब कॉर्न है, ये बॉइल्ड है, बॉइल्ड। ठीक है, उबाला कॉर्न है, वो हो गया है तो अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं और ये स्टॉल अब कब से यहाँ है? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 1-1.5 माह हो गया। एक महीना? हाँ, 1 महीना। 1 महीना हो गया। ठीक है, क्या बहुत लोग यहाँ आते हैं? हाँ हाँ, आना चाहिए, कॉर्न बहुत स्वादिष्ट है। भारतीय कॉर्न बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, ये मसाला है? हाँ, ये जीरा पाउडर है। वाह, बहुत अलग अलग मसाला है। काली मिर्च है। वाह, ये ब्लैक पेपर है। ठीक है, और ये चावल बहुत चाट मसाला है। चाट मसाला, ब्लैक पेपर और साल्ट है। ठीक है, साल्ट। हाँ, ये नींबू। नींबू, आपके पास एक पानी के जैसा नींबू है, आप मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद तो ये कौन, ये मसाला वाला है? ठीक है, ठीक है, अभी कप में डालते हैं। एक स्पून और दूसरा वाला भी बना दीजिए, ये क्रिस्पी वाला। हम साथ साथ खाएंगे। ठीक है, क्रिस्पी में टाइम लगता है। कितना टाइम? ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये खाएंगे। जब आप खा रहे हैं आप बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। नमस्ते, आप कैसे हैं? आपने ये कॉर्न खाया? स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आएगा। ठीक है, अभी हम खाएंगे, अभी हम खाएंगे, एक मिनट। ये हमारा मसाला कॉर्न है, उन्होंने बोला कि ये सबसे स्वादिष्ट है। आपने देखा, इसमें बहुत मसाले है, नमक है, ब्लैक पेपर है, चाट मसाला है, सब कुछ आपने देखा, सब कुछ ना। बाप रे बाप, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में ये शायद ये सबसे स्वादिष्ट कॉर्न है। तो ये कॉर्न बहुत नरम है, सॉफ्ट है, बहुत कठिन नहीं है। वाओ, तो इसमें नींबू है, नींबू और कॉर्न साथ साथ, बहुत यम्मी है, तीखा नहीं है, स्पाइसी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो ये 50 का है ना? 50, ये बहुत है, बहुत कॉर्न है। तो कॉर्न गरम है तो वो अच्छा है, उबुआला कॉर्न है, हमारे तबीयत के लिए ठीक है। नमस्ते सबको, तो क्या आपने ये कॉर्न खाया? Yes. बहुत स्वादिष्ट है ना? Yes. तो सबसे अच्छे कौन से है? मसाला कॉर्न सबसे अच्छे है। देखिए, सब कहते हैं कि मसाला कॉर्न सबसे अच्छे है। सब लोग हंस रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अजीब है कि ये विदेशी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसी वजह से और लोग देखेंगे हमारा वीडियो। तो बहुत मज़ा आया, ये दुकान आरोग्य मंदिर के सामने है, थोड़ा सा आगे। हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कॉर्न पसंद है, लेकिन ये मसाला कॉर्न
बहुत स्वादिष्ट है। तो हमने सोचा कि एक स्टॉल जिसमें सिर्फ कॉर्न है शायद लोग नहीं आएंगे, लेकिन आना चाहिए। ये क्रिस्पी वाला है, ठीक है, अभी वो क्रिस्पी कॉर्न बना रहे हैं। तो इसमें तो ये कॉर्न किस में है, एक मसाला है? हाँ हाँ, सब मसाला में, ठीक है। कोई आ रहे हैं? राहुल आ रहे हैं, ये उनकी दुकान है? हाँ, उनकी दुकान है, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये क्रिस्पी कैसे बन जाते हैं, हो जाते हैं। तो इसमें तेल है, वो फ्राई करेंगे, ठीक है। ये अब वाला बॉयल्ड वाला नहीं है, फ्राइड वाला। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा मनपसंद वाला होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं ये खाऊंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम और ऑर्डर करेंगे। हम अपनी पत्नी को देंगे, उनको कॉर्न बहुत पसंद है। देखिए क्रिस्पी हो रहा है, वाह। ये वाला खाया क्रिस्पी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये भारतीय स्ट्रीट फूड है, क्रिस्पी कॉर्न, वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हम नहीं विश्वास कर सकते हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना हमारे घर के नज़दीक है। ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये क्रिस्पी कॉर्न है, लेकिन इसमें भी प्याज है और दूसरी चीज़ें, लेमन जूस है, वाओ। तो मसाला वाला बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन ये हमारा मनपसंद है, ये हमारा मनपसंद है। टेंटोरी में बन गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे स्वाद है। तो ये अच्छे हैं कि ये सिर्फ 6 हैं, क्योंकि मोमोज अगर हम और खाएंगे तो पेट बहुत जल्दी भर जाएंगे, ठीक है। अभी चटनी के साथ, वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है, वाओ। हम कहते हैं कि ये मेल्ट इन योर माउथ है। तो इसमें तंदूरी का स्वाद है, मुझे बहुत पसंद है। और ये देख सकते हैं कि ये मोमोज बहुत बड़ा नहीं है, वो ठीक है। मुझे बहुत बड़ा मोटा मोमो पसंद नहीं है, लेकिन ये अच्छे साइज है। इसमें थोड़ा सा क्रंच है, थोड़ा सा बाहर क्रिस्पी है, लेकिन अंदर बहुत नरम है, सॉफ्ट। ओके, अभी हम देखेंगे ब्लैक करंट शेक कैसा है। तो उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, एक नंबर है। तो ज़्यादातर जब हम शेक पीते हैं भारत में, वो शेक अमेरिका के शेक के जैसे नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत स्वादिष्ट है, अमेरिका के जैसे है।
वाओ ब्लैक करंट बहुत अच्छा है तो अमेरिका में ब्लैक करंट नहीं है हमने कोई ब्लैक करंट आइसक्रीम और शेक नहीं देखा है तो ये हमारा पहली बार पीने के लिए और हम बहुत कम तंदूरी मोमो खाते हैं लेकिन आज हमने सोचा कि हम शायद ये हमारा तीसरी बार है तंदूरी मोमो खाना वाह 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 ये मोमो कैबिन सब लोग यहाँ आइए सब यहाँ सबसे स्वादिष्ट मोमो मिलते हैं तो शिमला मिर्च है हम के अंग्रेजी में हम कहते हैं कि grilled to perfection bahut swadisht hai ye pyaaz hai to grilled hai tandoori mein tandoori asli hai isme tandoor hai kabhi kabhi restaurant log kehte hai ki ye tandoori hai lekin dekh kar aap jaan sakte hain ki tandoori nahi hai lekin ye asli hai tandoor hai तो इस बनाने में कुछ समय लगा लेकिन लायक है बहुत स्वादिष्ट है ज़्यादातर हमें बहुत ज़्यादा पसंद चिकन स्टीम मोमो पसंद है लेकिन आज ये हमारा मन पसंद तो अगर आप यहाँ रहते हैं ये दुकान आरोग्य मंदिर के सामने है मुझे तंदूर सब्जी बहुत पसंद है हम ये सब प्याज और शिमला मिर्च खा सकते हैं आसानी से तो ज़्यादातर अमेरिकी लोगों को सब्जी पसंद नहीं है एक अगर ग्रिल्ड है और तंदूर है पसंद है सब्जी हो गया एक तंदूर बाकी है एक तंदूर मोमो बाकी है देखिए अंदर बहुत नरम है बहुत स्वादिष्ट है मुझे ये टेक्सचर बहुत पसंद है जब बाहर बहुत क्रिस्पी है और अंदर नरम है सबसे स्वादिष्ट है ठीक है अभी ब्लैक करंट शेक खत्म करेंगे मुझे एक और शेक चाहिए लेकिन शायद आज नहीं हो गया बहुत मज़ा आया सब लोग यहाँ आए ठीक है अभी हम एक भारतीय बेकरी में हैं हम देखेंगे कि कैसा है इसमें क्या क्या है लकड़ी पैटीज चिली पनीर पैटीज आलू चीज रोल वाओ फोकाशा हेवन सैंडविच बहुत दिखता स्वादिष्ट दिखता है ठीक है तो और भी केक है चॉकलेट केक वाइट केक इस केक पर कुछ फल है पाइनएप्पल चेरी डोनट है और हमने ये खाया ये गनाच बहुत स्वादिष्ट है ओरियो लश ब्राउनी वाह शायद हम खाएंगे कसटा पेस्ट्री ब्राउनी क्यूब चाको लश ठीक है स्ट्रॉबेरी पुडिंग चॉकलेट पुडिंग ये क्या है वाह एक शू है जो हम खा सकते हैं नमस्ते आप कैसी है हम फाइन आप बताइए कैसे हैं हम भी ठीक है मुझे क्या खाना चाहिए सर आप स्वीट्स में भी कुछ खा सकते हैं और नमकीन आइटम में भी हाँ शायद हम दोनों खाएंगे नमकीन और स्वीट्स ठीक है थैंक यू तो ये एक कसटा पेस्ट्री हाँ एक चाहिए मैक एंड चीज ठीक है हाँ वो खाएंगे मैक एंड चीज रोल ठीक है तो ठीक है यहाँ है
ठीक है, अभी हम देखेंगे ये भारतीय बेकरी कैसा है। तो हमने देखे एक मैक्रोनी एंड चीज़ रोल, बहुत दिलचस्प है, देखिए। तो इसमें मैक्रोनी है, कुछ चीज़ है, बहुत स्वादिष्ट दिखते हैं। तो अभी हम देखेंगे। बहुत गर्म है, हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। इसके जैसा दिखते हैं अंदर। बहुत स्वादिष्ट है। तो अमेरिका में हम बहुत ज़्यादा मैक्रोनी खाते हैं, तो ये मैक्रोनी भी अच्छे हैं। ये ब्रेड बहुत स्वादिष्ट है। ओ, पानी भी है, धन्यवाद। तो इसमें भी कुछ स्पाइसेस है जो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत झाल नहीं है, तो हमारे लिए वो ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद इसके ऊपर धनिया है, केचप ज़रूरी नहीं है, इतना स्वादिष्ट है। बहुत गर्म है, एक इटालियन के डिश के जैसा है। तो हमारे लिए फ़ायदा है, अगर हमें भारतीय खाना नहीं चाहिए तो हम यहाँ आ सकते हैं। इस पर देखिए कितना स्पाइसेस है, बहुत स्वादिष्ट है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बेकरी बहुत यूनिक है, दूसरे बेकरी से अलग है, जो मुझे पसंद है। ठीक है, ये अभी ये हमारा स्वीट है, क्या नाम है, कसाता पेस्ट्री। लगते हैं कि बहुत लेयर्स है, इस पर शायद नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, चेरी, थोड़ा सा चॉकलेट। और ये बेकरी एगलेस है, मैं सोचता हूँ। हाँ, एगलेस है। तो कभी कभी एगलेस खाना बहुत थोड़ा सा अलग है। तो अमेरिका में बेकरी एगलेस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत स्वादिष्ट हो गया। वाह, मैं क्या बताऊँ, बहुत स्वाद है, बहुत अलग अलग स्वाद है। आपने देखा कि शायद एक दो तीन चार पांच लेयर हैं। वाह, और ये टॉप वो थोड़ा सा क्रंची है, ऊपर पिस्ता का स्वाद, नीचे थोड़ा सा शायद स्ट्रॉबेरी का स्वाद। ठीक है, अभी हम चेरी खाएंगे। ओह, चेरी गिर गया। व्हिप क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। चेरी में नट था, मालूम नहीं था। खाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा चेरी अच्छा था, तो मुझे ये टेक्सचर बहुत पसंद है, जिसमें ऊपर थोड़ा सा क्रंची है, नीचे स्मूथ है, वो दोनों साथ साथ अच्छा है। वो पेस्ट्री बहुत स्वादिष्ट था, वो मैक्रोनी बहुत स्वादिष्ट था। तो लगते हैं कि मुझे भारतीय बेकरी बहुत ज़्यादा पसंद है, हम ज़रूर वापस आएंगे। हमें आशा है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पेट है, तो सिर्फ दो चीज़ें खा सकते हैं आज, हम ज़रूर वापस आएंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।